पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। यही नहीं, एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विरोधी पार्टियां तंज कस रही हैं। इस मामले में हमेशा की तरह चुप रहने वाले राहुल गांधी ने आज इस पर चुप्पी तोड़ी है। राजस्थान के पुष्कर में पूजा के दौरान राहुल ने अपनी जाति और गोत्र का नाम लिया। राहुल गांधी ने खुद को दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पुरखों के धर्म को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह न सिर्फ गलत हैं, बल्कि पूरी तरह बेबुनियाद भी हैं। यह दावा है प्रयाग में संगम के पंडों का। उनका दावा है कि उनके पास नेहरू गांधी परिवार की मुगल काल से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पाठ के लिए आता रहा है। इन पुरोहितों के पास नेहरू गांधी परिवार की मुगल काल से वंशावली का कुछ हिस्सा अरबी और फारसी में आज भी मौजूद है, जबकि 11 पीढ़ियों का लेखा जोखा परिवार के लोगों के लेख दस्तखत और फोटोग्राफ के साथ हिंदी में मौजूद। पुरोहित गोपाल दास के पास हिंदी में मौजूद रिकॉर्ड में पंडित नेहरू से ऊपर की 6 और नीचे की 4 पीढ़ियों का सिजरा है। पुरोहितों के दस्तावेजों के मुताबिक पंडित नेहरू के पूर्वज कश्मीरी मूल के दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण थे। नहर के किनारे रहने की वजह से इनके दादा गंगाधर कौल व परदादा लक्ष्मी नारायण को नेहरू टाइटल दिया गया था। गांधी परिवार का प्रयागराज के धरती और संगम घाट के पुरोहित चुन्नीलाल पांडा का गहरा नाता रहा है। गांधी परिवार के पुरोहित गोपाल दास पांडा कहते हैं कि इंदिरा गांधी मेरे बाबा जी को भाई की तरह मानती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बाबा जी से अच्छा रिश्ता था। आज भी मेरे पास उनके साथ की फोटो और पत्रावली रखे हुए हैं। चुन्नीलाल पांडा के पोते गोपाल दास टीवी से बातचीत में बताया कि जब भी इंदिरा गांधी आनंद भवन आती थी तो बाबा से जरूर मिलती थी। इसके साथ राखी के त्यौहार पर बाबा जी को राखी भी बांधती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इंदिरा गांधी से बाबा चुन्नीलाल मिलने जाया करते थे। इसके साथ ही गांधी परिवार से मेरे पूर्वजों का गहरा संबंध रहा है। अपनी याददाश्त के सहारे गोपाल पांडा बताते हैं कि जहां नेहरू गांधी के पुरोहित मेरे बाबा के बाबा हुआ करते थे, फिर उनके बाद मेरे बाबा चुन्नीलाल गांधी परिवार के पुरोहित कश्मीरी ब्राह्मण आज भी हमारे यहां आया करते थे। राजीव गांधी की शादी हुई तो नहीं गए, लेकिन जब भी दिल्ली जाया करते थे उनका परिवार पूरा सम्मान करता था। सास इंदिरा गांधी के कहने पर सोनिया गांधी खुद सेवा सत्कार किया करती थी। संगम घाट के पुरोहित स्वर्गीय चुन्नीलाल के पोते गोपाल दास के पास आज भी गांधी परिवार की फोटो और पत्रावली रखे हुए हैं। हमारे पास रखा हुआ है, जब वो यहाँ पे आई थी मुलाकात हुई थी उसके बाद से कोई पत्राचार या ऐसा कुछ संबंध बन नहीं पा रहा है। कुछ राजनीतिक कारण है कि सामाजिक कारण है ये जाने वो लोग। अच्छा, हम कह रहे राजीव गांधी जी के अस्थि विसर्जन के दौरान कौन कौन आया था संगम में? पूरा परिवार था। राजीव गांधी के अस्थि विसर्जन में उनकी पत्नी थी सोनिया गांधी, दोनों बच्चे थे, दामाद थे, पूरे परिवार के साथ आए हुए थे और अन्य रिश्तेदार थे। गांधी परिवार के कुछ ऐसे यादगार पल जो आपको याद हो कुछ? अब हमारे सामने तो कुछ ऐसा व्यतीत हुआ नहीं। आपके पिताजी या आपके दादा जी को बताए? हमारे बाबा तो भाई इंदिरा जी हमारे बाबा को भाई मानती थी। वो दिल्ली जाते थे तो उनको अगर मौके पे कभी राखी के समय पहुंच जाते थे तो उनको राखी तक वो बांधती थी। राखी की भी फोटो उनकी रखी हुई तो है। आपके दादाजी का क्या नाम था? बाबा का हमारे नाम श्री चुन्नीलाल महाराज था। अच्छा, उनको भाई उनको चुन्नीलाल महाराज और इंदिरा जी भाई बहन के तरह थे। आनंद भवन में जब यहाँ बचपन में इंदिरा जी थी तो हमारे बाबा वहाँ बहुत जाते आते थे। तब यहाँ कश्मीरी बहुत रहते थे, अब तो कश्मीरी यहाँ से भी पलायन करते जा रहे हैं न। तो पहले ये कश्मीरी बहुत ब्राह्मण यहाँ पे थे जिनका यहाँ पूजा पाठ सब कार्यक्रम शादी ब्याह सब यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित ही कराते थे। हमारे बाबा जी नेहरू जी के शादी में हमारे बाबा के पिताजी गए थे, पर बाबा हमारे नेहरू जी की शादी में। उसका भी एक आर्टिकल हमारे पास पेपर का रखा हुआ है, उसकी भी एक बड़ी अजब कहानी। पांडा गोपाल दास का कहना है कि गांधी परिवार आखिरी बार राजीव गांधी के अस्थि विसर्जन के लिए पत्रावली भेजी थी, इसके बाद से अब तक कोई भी पत्रावली नहीं मिली। उस दौरान सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग आए हुए। नेहरू जी के पिताजी भी हमारे यहाँ मोतीलाल ने वो भी थे। अब उस समय फोटो रिकॉर्डिंग का इतना नहीं था जमाना, लेकिन उनकी कुछ पत्राचार अभी भी ऐसे रखे हुए हैं। उनके पिताजी का भी अस्थि विसर्जन आज हम 4 पीढ़ी से इनके यहाँ जुड़े हुए हैं। पूरे नेहरू जितने कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो पूरे कश्मीरी ब्राह्मण हमारे यात्री हैं। अब वो तो दिल्ली में भी बस गए, लखनऊ में भी बस गए, कानपुर में भी आ गए, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो हमारे यात्री हैं, हम उनके तीर्थ पुरोहित हैं।
गांधी जी के परिवार से आखिरी बार कौन आया था संगम घाट पे? गांधी जी के परिवार से अस्थि विसर्जन लेके तो बस लास्ट में वही राजीव गांधी का अस्थि विसर्जन लेके आए थे। बीच में अगले साल कुंभ में सोनिया गांधी जी आई। गोपाल दास पांडा कहते हैं कि अब गांधी परिवार उनसे दूर हो गया है। मायूस होकर वह कहते हैं कि राहुल सोनिया इलाहाबाद आने पर कई बार मिलने की कोशिश की, पत्र लिखे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके अलावा राहुल और सोनिया गांधी कई बार संगम नगरी आए, लेकिन अपने पूर्वजों और पुरोहितों से नहीं मिले।